पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश का असर अब मैदानों पर दिखने लगा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज का बढ़ता जलस्तर देख वहां की सरकार ने रविवार से थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी छोड़ना शुरू किया। रविवार शाम 5 बजे तक 8,72,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा चुका था। यमुना में इतना पानी अब तक नहीं छोड़ा गया था। 1978 में यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और तब हरियाणा से 7 लाख क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया था। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 204.42 मीटर था, लेकिन एक घंटे बाद ही इसमें जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। 8 बजते-बजते पानी का स्तर 204.70 मीटर पहुंच गया, यानी केवल एक घंटे में 0.28 मीटर पानी बढ़ गया, जो वार्निंग लेवल से ऊपर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही ये खतरे के निशान को पार कर जाएगा। प्रशासन की आशंका है कि यमुना का जलस्तर 207 मीटर तक जा सकता है। 1978 में यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। उस वक्त हरियाणा से 7 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़कर 207.49 मीटर तक जा पहुंचा था, जिसके चलते यमुना के किनारे के इलाके ही नहीं बल्कि मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी में भी पानी पहुंच गया था। अब एक बार फिर उसी तरह का खतरा पैदा होता दिख रहा है। हमारा अभी जो वाटर लेवल है 204.70 है, जो कि वार्निंग लेवल से ऊपर चला गया। वार्निंग लेवल हमारा 204.50 है, तो उसे 20 सेंटीमीटर ऊपर हो गया पानी। और कल के लिए फोरकास्ट हमारे 207 मीटर है, कल सुबह 6 बजे के लिए। यमुना में बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यमुना किनारे के डूब प्रभावित इलाकों जैसे सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, डीएनडी, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, वजीराबाद, लोहे का पुल, आईटीओ, ओखला, जामिया और जैतपुर में मुनादी करवा के लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह जाने को कह दिया है, जिसके बाद लोगों ने अपना जरूरी सामान समेटना भी शुरू कर दिया है। डीएम ऑफिस से जैसे भी ऑर्डर हमारे पास आए हैं, रात से स्टाफ को लगा दिया गया है, पूरी फोर्स डिप्यूट कर दी गई है। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिपार्टमेंट रेडी है। पानी का लेवल जैसे सुनने में आ रहा है कि पीछे से पानी छोड़ा गया है, तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इनको हम और ज़्यादा अलर्ट करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी टाइमली ये लोग अपनी जगह सेफ साइड पर आ जाएं, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो। वो ये बोल के गए हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, इसलिए सामान वामान निकाल ले, अपना कीमती सामान लेके अपना यहाँ से बाहर चले जाएं। कोई व्यवस्था किया है सर? हाँ, वो बोल रहे हैं कि एसडीएम जी द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कैंप वगैरह सब कुछ लगवाए जाएंगे, आप लोग वहाँ चले जाइए। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यमुना किनारे ही सुरक्षित स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं। अभी करीब 1100 टेंट लगाए गए हैं और करीब 5000 लोगों की शिफ्टिंग और खाने पीने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। इन जगहों पर पीने के पानी के लिए टैंकर और मोबाइल टॉयलेट्स का भी इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही डॉक्टरों की टीमें भी सभी जगह तैनात की जा रही हैं। प्रशासन इस चीज को देख रहा है कि जितने भी लोन एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, इनको सतर्क करें, इनको मतलब बताया जाए कि आप यमुना किनारे ना जाएं, अपने पशु और बच्चों का ध्यान रखें। अगर आगे चल के पानी और बढ़ता है तो इनके लिए ऊपर टेंट का बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिनके लोगों को सेफ रहे, अपने पशु और बच्चों के साथ ये लोग ऊपर जाके रह सकें। हालात को देखते हुए यमुना के किनारों पर निगरानी रखने के लिए 44 बोट्स के साथ 27 गोताखोरों की टीमों को अलग अलग लोकेशंस पर तैनात किया गया है। इनमें 13 रिजर्व बोट्स भी शामिल हैं। सरकार और प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।